जब से शबु वापस आया मैंने उसे एक बार भी हग करके नहीं बताया कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे बहुत पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा उसके साथ। अम्मा शबु मुझे आपसे बात पूछनी है। क्या हुआ बेटा? अम्मा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा बेटा बेटा, I'm really very sorry for everything. मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना, I'm really very sorry. देख मैं तेरे लिए पिज्जा बना रही हूँ, तू कोचिंग क्लास नहीं गया अभी तक? हाँ पिज्जा खा के जाना, ओके? तुझे एग्स खाने ना तो मैं अप्पा को बोल दूंगी लाने के लिए, ठीक है? और दादा और पाती को मैं संभालूंगी, तू टेंशन मत ले। तुझे जो खाना है तू खाना, ठीक है? हैप्पी ना? और बेटा प्रॉमिस करके दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा तू, ओके? आई लव यू सो मच, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। फैक्ट सबसे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ। आई लव यू डियर अम्मा, सॉरी मैं अपने कोचिंग क्लासेस के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं पिज्जा बनाती हूँ तब तक, ठीक है? खा के जाना। हेलो, क्या बोला मम्मी ने? That she loves you, right? I know it. तुम बोलो या नहीं बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार करती है। डार्लिंग मैं तुमसे बड़ी हूँ, हाँ एडवाइस ले लो मेरी, कीप यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, ओके? तुम्हारे मम्मा पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सो जस्ट यू नो अच्छे से पढ़ो, कुछ बनो उनके लिए, क्योंकि उनको तुम्हारे जैसा दूसरा बेटा मिलेगा नहीं ना। तुम उनके सबसे प्यारे बेटे हो, उनसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, कोई गलत काम नहीं करना, कुछ भी करोगे जिंदगी में सबसे पहले अपने मामा पापा के बारे में सोचना। और थैंक आंटी, आपने मुझे इतना अच्छी तरह समझाया। आप बहुत अच्छी मम्मा हो, एंड आई एम श्योर कि आप अपने बेटे को ऐसे समझाते होगे। या बाय, यू टेक केयर। मेरा बेटा बहुत प्यार करती हूँ, काश मिल भी सकती उससे। Yes? क्या मैं मिस आलिया से बात कर सकता हूँ? जी मैं हूँ, आलिया बोलिए। ओ तो तुम आलिया हो? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे छोटे बच्चों से चैटिंग करती हो, नाम आलिया रख लिया तो क्या तुम आलिया भट्ट होगी? हाँ उल्लू बनाती हो लोगों को, थोड़ी शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? Excuse me, you can't talk to me like that. Shut up! तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को उल्लू बनाने में बड़ा मजा आता है ना आप लोगों को? हाँ लेट मी वॉर्न यू, आज के बाद तुम उससे बात नहीं करो, मैं उससे तुम्हारा गेम टॉय कभी नहीं बनने दूंगा। और हाँ आज के बाद उससे बात मत करना, अगर आज के बाद तुमने उससे बात की ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करवा दूंगा, याद रखना। कौन था ये बेवकूफ? क्या समझते हैं अपने आप को? मेरे घर में आके मुझे 10 बातें सुना गया, इडियट। तो क्या कर रही हो ये आलिया? क्या कर रही हो अम्मा? आई एम नॉट गेटिंग यू, आप क्या बोलना चाहते हैं? तुम एक छोटे से बच्चे से ये बोल रही हो कि तुम आलिया भट्ट हो? हाँ यू आर फेकिंग योर आइडेंटिटी, तुम एक 15 साल के बच्चे के साथ चैटिंग कर रही हो? I'm sorry, अम्मा, मुझे लगा ही था कि वो बच्चा है। You knew, but he said he's 21. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उसके साथ। तुम्हें लगा कि ठीक है मजे ले लेते हैं थोड़ा सा? No, ma, it was a harmless joke. It was not harmless, आलिया. उसने ये मैसेज किया कि अगर वो तुमसे नहीं मिला तो वो जाके आत्महत्या कर लेगा। He'll commit suicide. अपने पेरेंट्स से झूठ बोल बोल के तुमसे बातें करा, तो तुमसे मिलना चाहता था। He was so desperate to meet you. But
अम्मा मैंने इसे मिलने के लिए तो कहा ही नहीं था। एक मिनट, हाउ डिड यू गेट टू नो? आई रेड योर मैसेजेस। आई एम सॉरी, आई नो इट्स नॉट गुड कि हम किसी के पर्सनल मैसेजेस पढ़े, लेकिन आलिया मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और तुम ऐसे किसी को मैसेजेस नहीं भेज सकती हो। आई अंडरस्टैंड अम्मा, एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे सीरियसली नहीं पता था वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा। आई थिंक तभी वो लड़का आया था, मे बी उसका फ्रेंड या कजन होगा। सारी बातें सुना के क्या मुझे? उसे सही बातें सुनाई होंगी तुम्हें, क्योंकि सही नहीं था जो तुम कर रही थी। Analia, now you have to promise me, तुम ऐसा उसके साथ या किसी के भी साथ कभी नहीं करोगी। I promise, अम्मा, I won't. I'm sorry, आदि भाई, आपने मुझे इतना समझाया पर मैं आपकी बात नहीं मानी। वो लड़की अलवर नहीं थी, और मैंने अम्मा और अप्पा को भी पूरा समझा, अब पर मुझे आज उस आंटी ने कितना अच्छी तरह समझाया और मुझे अपनी गलती पता चल गई। I'm sorry, आदि भाई। आंटी? कौन आंटी श्रवण? और तू कहाँ मिला उनसे? जिसको मैं आले पर समझ के कॉल करा था ना, उनकी मॉम ने उठाया था फोन। श्रवु, श्रवु कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है हम लोगों को तुम्हारी कितनी फिकर हो रही थी। आदि, थैंक यू सो मच कि तुम हमारे श्रवु को ढूंढ कर ले आए। मीका चिट्टी, थैंक यू की कोई बात नहीं, श्रवण मेरा छोटा भाई है और मैंने कोई फेवर नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। अरे मुझे तुम्हें एक न्यूज बतानी थी, मैंने शादी का वेन्यू शिफ्ट कर दिया, अब शादी मुंबई में नहीं दिल्ली में ही होने वाली है। इनफैक्ट आज संगीत है और मैंने तुम्हारे बॉस को भी इन्फॉर्म कर दिया, होटल मिलेनियम है ना, वहाँ सारी बुकिंग्स कर दी है। आई नो बहुत शॉर्ट नोटिस है, पर आदि तुम हो ही इतने टैलेंटेड कि तुम सब संभाल लोगे, है ना? मीका चिट्टी, अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया, मतलब रोमी चाचू उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे रोमी चाचू को शादी की इतनी खुशी है कि वेन्यू कहीं पर भी हो, प्लीज कूल विद इट। वो मीका चिट्ठी में सबको बताता हूँ कि आपकी शादी मुंबई नहीं दिल्ली में हो रही है। मीका चिट्ठी, पर वो आदि डोंट वरी, तुम्हारी इशिमा भी शादी में जरूर आएंगे। अका ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो डेफिनेटली शादी में आएंगे, और देखना आज जब वो संगीत पर आएंगी ना तो वो सारे घर वालों को भी देख लेंगे। लगता है पापा जी आप मुझ पे आजकल कुछ ज्यादा ही खुश हो, इसलिए मेरी सारी विशेष पूरी हो रही। अब पापा और रिशिमा को एक दूसरे के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता, बस जल्दी से ये काम भी कर दो प्लीज। हेलो मैम, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे इंडिया आना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही किसी काम के लिए और ना ही यहाँ पर किसी बिजनेस डील के लिए, और वो भी दिल्ली में। जितना मुझे पता है ये शूट मुंबई में होने वाला था, तो हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं? और कौन है ये पीयू इंडस्ट्रीज, कौन है इसके मालिक जो वहां से एक्सक्लूसिव साइन करना चाहते हैं? मैम वो एक्चुअली मिस्टर रमन भल्ला। क्या कहा तुमने, क्या नाम लिया तुमने? रमन भल्ला, पीयू इंडस्ट्रीज के ओनर। मैंने रमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और सॉरी मैम, सॉरी, मुझे लगा कि आपको पता है कि मिस्टर भल्ला रोहन के एक्सक्लूसिविटी राइट्स के लिए बहुत बड़ी अमाउंट दे रहा है। जस्ट शट अप, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझसे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा, मुझे बता नहीं सकती थी? थैंक गॉड मेरी और रमन की कोई मुलाकात नहीं हुई, वरना पता नहीं क्या होता। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने अप्रूव किया? मैम वो रोहन। रोहन कहाँ है?
शायद अपने कमरे में सो रहा होगा। लीव मैम। आई सेड लीव। रुहान, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें तुम्हारा दोस्त नहीं मिला, अब मिलेगा। और तुम्हारे अंदर दिमाग भी आ जाएगा ताकि तुम ये सोच सको आगे से कि सारे डिसीजंस मैं लेती हूं, कोई और नहीं। हेलो, क्या मैं मिहिर अरोड़ा से बात कर रही हूँ? मिस्टर अमन भल्ला के सीईओ जी। बोलिए। मैं रुहान की मॉम, और मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें आपका ऑफर मंजूर है और हम लोग शूट स्टार्ट कर सकते हैं। ओह ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज। आप अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपनी मार्केटिंग टीम से कॉन्टैक्ट करता हूँ एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट द शूट इन द नेक्स्ट 4 days। इज दैट फाइन बाय यू गाइस? या श्योर। ऑलराइट, फैंटास्टिक, थैंक यू। तो अब रुहान अपने बाप के साथ एड शूट करेगा। वाओ। और रमन भल्ला को ये पता भी नहीं होगा कि वो रुहान नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी रूही है। और इतनी मार खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि रूही अपना मुंह खोलेगी और किसी को सच्चाई बताने की भी कोशिश करेगी। रमन भल्ला, I feel pity on you. क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं बचा। क्या है ना, अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैं कुछ नहीं भूली जो तुमने मेरे साथ किया है। बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी और उसकी शुरुआत होगी अब। हाँ मेरे बोल। क्या रोहन के साथ मीटिंग कंफर्म हो गई? दैट्स ग्रेट न्यूज। एक काम कर, डायरेक्टर से बात कर ले एंड कंफर्म एवरीथिंग एंड गो अहेड विद द शूट। हाँ मैं जितना भी डेकोरेशन है, जैसा भी है, जैसा मी का बोलती है बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मेरे कॉल बैक। अच्छा रोमी के साथ क्या कर रहे? वो क्या है ना कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं और कितनी बिजनेस टाइकून है दिल्ली के, सब वहाँ आ रहे हैं, तो MPs भी होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट स्टाफ लेके आ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी हॉस्पिटैलिटी, सबको अच्छे से हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अरे अभी मैंने सुना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी इंप्रेस्ड इन फैक्ट। रोमी, तुमने आदि को एज अ वेडिंग प्लानर हायर करके कमाल का काम किया। आई मीन लुक एट हिम, ही इज सो टैलेंटेड, ही इज सो यंग। और आदि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं अब एक MP बन गया हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हमारे पॉलिटिकल सर्कल में काफी सारे फंक्शन होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, एंड आई मेक श्योर कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूँ। कुछ ही सालों में तुम दिल्ली के नंबर 1 इवेंट प्लानर बन जाओगे। उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आई एम रियली सॉरी सर, वो मेरे पास नहीं है, बट हाँ अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो आप मेरे बॉस मिस्टर उपाध्याय से बात कर सकते हैं, उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। Come on, आदि, हम सब जानते हैं कि ये तुमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अच्छे से जानते हैं, एंड सच बताऊँ तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सीरियसली यार, तुम इतने बड़े हो गए हो आज, बहुत खुशी हो रही देख के। और अशोक, तुम्हें पता है ये शायद मुझे अपना चाचा माने या ना माने, पर खून तो इसमें बल्लास का ही है ना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। उनसे एक बार चाचू से गले तो मैं, इतने साल हो गए हैं। एटलीस्ट रोमी चाचू के दिल में भल्लास के लिए प्यार तो है। दादी को बताऊंगा तो दादी बहुत खुश हो जाएंगी। अभी रोमी की शादी प्लान कर रहे हैं, उसने मुझे पता नहीं ठीक नहीं समझा, शायद अपने चाचा से ज्यादा प्यार करता है। किस्मत खराब है। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है रमन भल्ला, मेरा काम तो हो गया।
जब अपना सिक्का ही खोटा होए तो बंदा दूसरों को क्या बोले। जी वो की हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो? अल्लाह जी कल जब रोमी आया था ना तो मैं खुश हो गई थी, मैं समझी थी उसे अभी भी हमारी चिंता है, अभी भी उसके दिल में हमारे लिए प्यार है, पर नहीं मैं गलत थी। तुम्हें पता है आज उसका संगीत है, मेरे दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो हमें जरूर बुलाएगा, पर मैं गलत थी। बतो से जी मिट्टी पाओ, अरे भूल जाओ उसे, मत सोचो उसके बारे में, ये सोचो कि किसी बेगाने की शादी है। कमाल है, इतने साल हो गए इतना कुछ बदल गया, आप अब भी उसकी आस लगाए बैठे हो। देखा नहीं आजकल वो कैसे बातें करता है, आजकल वो सिर्फ और सिर्फ रमन को नीचा दिखाना चाहता है। तो छोड़ो, मैं आपके लिए ना बढ़िया लोडेड बना के लेकर आता हूँ। देख रहा हूँ किसका मैसेज है। भला जी देखो आदि, किसी को मेरी परवाह हो ना हो, मेरे पोते को कितनी मेरी चिंता है। देखो भला जी, ये आदि ने ना उस हॉल की तस्वीरें भेजी है जिसमें रोमी का संगीत होने वाला है। मेरा एक बेटा दुनिया से रूठ के बैठा हुआ है, दूसरा अपनी अकड़ में, पर देखो मेरे पोते को मेरी कितनी चिंता है। वो चाहता है कि ना आप इस तरह से रोमी के संगीत में शामिल हो जाए। रोमी बंधु भैया बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, कितना ग्रैंड हॉल है, सुपर है रखे। नहीं करेंगे। अरे अम्मा आ गए आप लोग। चमत्ते कुट्टी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू परी अम्मा। शबु कहाँ? अरे वो आदि के साथ है, जल्दी आ गया था ना तो बस उसी की हेल्प कर रहा है। अरे दो परी अम्मा ये लीजिए। ये लीजिए? नीचे तो सही। Are you present? अका ये लीजिए। ये क्या? ये ना सारीज है, और अभी आप जल्दी से जाके ये पहन लीजिए और चेंज कर लीजिए। अभी? हाँ वो क्या है ना, मैंने सोचा कि फैमिली फोटो के अंदर हम सारी औरतें एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड लगे। दो ना भैया मीका, मैंने तो न्यू साड़ी पहनी है, बस दो बार पहनी है पहले, और वैसे भी अभी कहाँ चेंज कर रहे हैं। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, एक्चुअली ये ड्रेसेस भी ना अभी आई है, पर ना मैं घर पे ही भिजवा देती, बट प्लीज अब आप लोग चेंज कर लीजिए ना प्लीज। चलो अब सुनिए, इन्हें प्लीज गेस्ट रूम ले जाइए। अरे मीका हमारे कपड़े कहाँ हैं? नहीं ये जो थीम है ये सिर्फ औरतों के लिए। अरे यार हम लोगों ने कोई पाप किया है? ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। मुरुगन बस सब कुछ अच्छे से हो जाए आज। मीका जी एक फैमिली फोटो के लिए इतना कुछ? सिर्फ फैमिली पिक्चर के लिए नहीं, अक्का के लिए भी। तुम्हें पता है अकाज इतने सालों के बाद फैमिली के सारे लोगों को देखने वाली है, तो मैंने सोचा कि सारी औरतों को ना एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड लगना चाहिए फैमिली पिक्चर में, है ना? Exactly. बेस्ट फोटो। आपको पता है मैं इशी माँ से मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं आपको बता नहीं। अच्छा आप एक बार उनसे पूछो तो कि वो कहाँ पर है, वो निकली या नहीं निकली। गलती तो नहीं कर रही हूँ वहां जाके? अम्मा को देख के गई मैं, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मैं सबको वहां देखूंगी तो मैं, इट्स अ बैड आइडिया। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।